नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे, मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। श्री राम जी सेवा समिति का रावण दहन कार्यक्रम संपन्न। दमोह के शोभा नगर में चले चाकू, युवक और उसके पिता पर हमला, जबलपुर रेफर। दमोह का दमदार दशहरा जल समारोह हुआ प्रारंभ, लकी डीसीएन के माध्यम से होगा लाइव प्रसारण। हटा में अवैध रूप से बिकने वाले पटाखे के भंडारण पर पुलिस का छापा, पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम ने मारा छापा। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह की, जहां पर शोभा नगर में एक बार पुनः चाकू चलने से पिता पुत्र घायल हो गए हैं, पुत्र को जबलपुर रेफर कर दिया गया। दमोह नगर कोतवाली पुलिस लगातार सक्रिय होने का दावा कर रही थी, त्योहारों के मौसम में कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही थी, लेकिन दमोह शहर में ये पुलिस की कार्रवाई नजर नहीं आई। बेखौफ है अपराधी, लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। दमोह के शोभा नगर से बड़ा मामला सामने आ गया, जहां पर एक युवक के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू बरसाए गए। जब पिता बचाने पहुंचा तो उसके ऊपर भी चाकू से हमला कर दिया। घायलों को दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर युवक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, उसे जबलपुर रेफर किया जा रहा है। बताया जाता है कि उसकी स्थिति अत्यंत ही गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि यहां पर जो विवाद की मुख्य वजह है वह स्व सहायता समूह की किस्त है, जिसको लेकर विवाद हुआ। जक्कू उर्फ जाकिर के द्वारा लगातार गाली गलौज किया गया। इसी बीच एक महिला से भी अभद्रता करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद दो युवक यहां पहुंचे। महिला के जो बेटे वो यहां पहुंचे और उनके द्वारा ताबड़तोड़ चाकू बरसाए गए। घायल युवक का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। घायलों के द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है, वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा ये जानकारी दी गई है। घायल का उपचार जारी है। मुख्य त्योहारों का समय चल रहा है, लगातार सड़कों पर भारी भीड़ और इसी बीच लगातार इस तरह की घटनाएँ भी सामने आ रही हैं। कैसे अंकुश लगेगा, कैसे घटना रुकेंगी, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लगातार दमोह कोतवाली पुलिस दावा करती रही और अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम देते रहे। इस संबंध में हमने नगर कोतवाली टीआई आनंद सिंह से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। अस्पताल एक घायल बच्चा जिसका नाम अरबाज है वो पहुंचा, जिसकी सूचना पर पुलिस अस्पताल आई थी। यहाँ जानकारी लगी कि नियाज और नदीम दोनों भाई हैं, जिनके पिताजी का नाम बल्लू है, शोभा नगर रहते हैं ये। इनका विवाद यही रहने वाले जक्कू जाकिर और उनके लड़के अरबाज से हुआ है। विवाद में नियाज और नदीम के द्वारा अरबाज और जक्कू जाकिर के साथ चाकू से हमला कर दिया, प्राणघातक हमला हुआ है, जिसमें अरबाज की स्थिति थोड़ी गंभीर है। हालांकि उसको यह प्राथमिक उपचार मिल गया, उसको रेफर किया गया है। इस पर से नियाज और नदीम दोनों पर अपराध संगीबद्ध किया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। सर, कोई अन्य भी घायल हुआ है क्या? अन्य जक्कू जाकिर के को एक मामूली चोट है, कुत्ते पर दो जगह अलग कट के निशान है, वो इसी विवाद में वो भी घायल हुआ है। कितने घायल? सांप के काटने के बाद एक व्यक्ति को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बताया जाता है कि स्थिति बेहद ही नाजुक थी, लेकिन बीती रात वह
जो मरीज था वह अस्पताल से चला गया। सुबह जब वापस आया तो उसकी स्थिति बेहद ही नाजुक थी। दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उसे बचाने का प्रयास किया, इसी बीच उसकी धड़कनें रुकने लगीं। CPR सहित वेंटिलेटर पर उसे तत्काल ही उपचार प्रारंभ कराया गया, जिसके बाद उसकी सांसें वापस लौटी। उसे कई तरह के उपचार भी दिए गए। क्या कंडीशन थी, कैसे आपने? एक पेशेंट ये गोविंद यादव करके है, पिता मोहन यादव, ये अज्ञात कारण से कल भर्ती हुए थे, फिर अस्पताल से चले गए थे, फिर आज सुबह भर्ती हुए हैं। तो जब वार्ड में गए तो उनकी हालत खराब हो गई, इन्हें बात करना बंद कर दिया, इनकी स्थिति मतलब गंभीर सी हो गई थी, तो इनको रेफर के लिए जबलपुर का कागज बनवा के हमने आगे ट्रांसफर किया। सर बहुत मेहनत की है आपने इसको बचाने में सर। एक्चुअली क्या है, जब मैं अभी ड्यूटी पे आया तो उस समय इसकी सांसें उखड़ गई थी, और जब तक हम कुछ देख पाते उसकी दिल रुक गया था, तो हमको उसको इसको CPR बोलते हैं, थोड़ा चेस्ट में कंप्रेशन किया था हमने, इसको तुरंत इंट्यूबेट किया और वेंटिलेटर मशीन भी हमने कनेक्ट किया, और BP बढ़ाने वाले इंजेक्शन आते हैं, एड्रेनालिन बोलते हैं, एक इंजेक्शन लगा तो एक से ही उसकी धड़कनें वापस आ गई, और हमने मशीन पर कनेक्ट कर दिया उसको, तो उसमें उसका सांसें चलने लगी और धड़कनें भी ठीक हो गई। बाकी आगे का हमने सस्पेक्ट एज अ सर्प दंश हमें ऐसा लग रहा है, तो हमने उसका इंजेक्शन भी लगवाया उसको और जांचें करा दी, और फिलहाल तो जबलपुर आराम से पहुंच जाएगा मेडिकल, वो और स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया था। बाकी उसको हो सकता है 1-2 दिन वेंटिलेटर पर रखना पड़े, उम्मीद तो है कि ठीक हो सकता है। बाकी ये बीच में उसको किसी झाड़ फूक कराने ले गए, तो उस जो समय बर्बाद हुआ वो एक कारण है इसके खराब होने का। डॉक्टर को द्वारा किए गए प्रयास की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज, दमोह। दमोह के मां बड़ी देवी दरबार में 9 दिनों तक भक्तों का मेला लगा रहा। लाखों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे, मां जगत जननी की आराधना की और अपना जीवन धन किया। देर रात्रि से सुबह तक भक्तों के द्वारा यहां पर मां को जल अर्पित करने का क्रम जारी था, आरती का क्रम जारी था, महाप्रसाद वितरण हुआ, महा आरती हुई। साथ ही मां बड़ी देवी दरबार में रात्रि के समय विशेष आयोजन होता है, अखंड संकीर्तन जो चलता रहता है उसका समापन होता है, और इस अवसर पर मां भगवती की 9 परिक्रमा की जाती हैं। पहले चंद्र लोग हुआ करते थे, लेकिन अब भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है। बताया जाता है कि लगभग 3-4 हज़ार लोग यहाँ पर रात्रि के समय मौजूद रहते हैं। सुबह तक ये कार्यक्रम चलता रहता है, लगभग 2:30 से 3 बज जाते हैं जब 9 परिक्रमाएं हो पाती हैं, और उसके बाद भंडारे का आयोजन होता है, साथ ही माँ के खजाने का भी वितरण होता है। सभी को यहाँ पर पैसा मिलता है, बड़ी संख्या में माँ के खजाने से सभी भक्तों को ये पैसा मिलता है, जिसके चलते देर रात तक भक्त यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आप देख सकते हैं खासा उत्साह है, भजन मंडलियों के द्वारा कीर्तन किया जा रहा है, भजन गाए जा रहे हैं, और यहाँ पर उत्सव महोत्सव जैसा नजर आ रहा है। Thank you.
कितने वर्षों से चली आ रही है परंपरा, कैसे आप लोग आज नवरात्रि का अंतिम दिवस माता अम्बे जगदम्बे महामंत्र से निरंतर और निरंतर अखंड जाप अखंड कीर्तन चलता है और आज रात्रि 12 बजे कीर्तन उसी उमंग के साथ वही संकीर्तन माता रानी के 9 परिक्रमा पूर्ण करता है जिसमें चरण और 2 से 3 घंटे लगते हैं। आप देखेंगे भक्तों का हजूम इस रात्रि में भी और यह परंपरा कई वर्षों से चलती आ रही है, कई वर्षों से यह अखंड कीर्तन चल रहा है। हमारे दादाजी के समय से यह कीर्तन चल रहा है। कितने परिक्रमे लगते हैं पंडित जी? 9 परिक्रमा माता रानी का कीर्तन करते करते लगाते हैं और उसके बाद माता रानी का सब खजाना लेते हैं। खजाना के बाद सब यहीं पर प्रसाद लेते हैं, कोई भगवान रहता तो व्रत का यहीं पर माता रानी का प्रसाद लेकर व्रत का प्रहण करता है। इस प्रकार यह नवरात्रि का पर्व समाप्त। लगभग कितने घंटे में हो जाते हैं परिक्रमे? 2 से 3 घंटे 12 बजे चालू होते हैं, 2 ढाई से 3 घंटे। माँ भगवती के आशीर्वाद से अखंड ज्योत भी यहाँ पर जलाई जाती है, 9 दिनों तक ये ज्योत चलती है। संजय सरवरिया, लखडीसिया न्यूज, दमोह। शारदीय नवरात्रि के चलते दमोह शहर में विशाल देवी पंडाल बनाए गए थे। दमोह के महाकाली चौक पर कुछ विशेष बात होती है, यहाँ पर माँ महाकाली की विशेष स्थापना होती है। खास बात यह है कि तमाम जो माँ भगवती यहाँ पर आभूषण पहनती है वे ओरिजिनल सोने और चांदी के होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर विशेष सुरक्षा प्रबंध भी किए जाते हैं। माँ भगवती के दरबार में यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था रहती है क्योंकि यहाँ पर तमाम जो आभूषण होते हैं वह ओरिजिनल होते हैं। दमोह शहर में मात्र एक स्थान पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के द्वारा तैनात की जाती है, वह महाकाली चौकी महाकाली देवी प्रतिमा, जहाँ पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहता है। माँ की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात रहता है। काफ़ी सुंदर आकर्षक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाती है, यहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। यहाँ पर सचंडी महायज्ञ भी होता रहता है, लगातार विशेष पुजारियों की उपस्थिति में पूजन हवन आदि होता है। संजय सरवरिया, लखडीसिया न्यूज, दमोह। दमोह में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दमोह के तहसील ग्राउंड पर रावण दहन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। रावण का पुतला बनाया गया, साथ ही यहाँ पर भगवान के स्वरूप यहाँ झांकियाँ बनाई गई थी जिसमें राम रावण का युद्ध हुआ। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनके द्वारा राम रावण का जहाँ युद्ध देखा गया तो वहीं रंगीन आतिशबाजी का आनंद भी लिया गया। इसके बाद यहाँ पर रावण के पुतले का दहन भी किया गया, साथ ही यहाँ पर अतिथियों के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण एवं राम भक्त हनुमान का विशेष पूजन किया गया। दमोह के तहसील ग्राउंड के मंच पर ये आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि यहाँ पर दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के अलावा दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के अलावा बड़ी संख्या में समाज से भी मौजूद थे जिनके द्वारा भगवान का पूजन अर्चन किया गया। फिर रामलीला का मंचन हुआ और उसके बाद रावण दहन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यह आयोजन। श्री राम जी सेवा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता है। पिछले 44 वर्षों से निरंतर यह भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। राम जी सेवा समिति के प्रत्येक सेवादार इसमें अपना सहयोग करते हैं। खास बात यह है कि इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। यहाँ पर कोई अध्यक्ष नहीं होता, तमाम सेवादार होते हैं। तमाम तरह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और अंततः धू धू कर ये रावण जलने लगा। हालांकि बुराई का ये प्रतीक है, बुराई को जलाने में कुछ वक्त लगता है, जिसके चलते रावण को जलाने में भी कुछ वक्त लगा।
सबसे पहले तो मैं सभी को दमोह जिले वासियों को नवरात्रि की और विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोगों के लिए ये मेला एक बहुत ही अनोखा अवसर था कि क्योंकि यहाँ पर जो है विजयादशमी का त्यौहार जो है वो नवमी के दिन मनाया जाता है। ये बहुत स्पेशल चीज़ है और इसको देखने के लिए हम लोग भी बहुत उत्सुक थे। यहाँ पर सारी तैयारियाँ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा चाक चौबंद की गई हैं। आज देखने को मिल रहा है कि पूरा शहर उमड़ा पड़ा है नवरात्रि में देवी जी के दर्शन के लिए, गरबे में शामिल होने के लिए और दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए। तो मैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से सभी दमोह जिले वासियों को दशहरे की, विजयादशमी की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। क्या शुभकामनाएं? दमोह जिले के अपने सभी रहवासियों को विजयादशमी की तमाम शुभकामनाएं, साथ में नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। और आज कैथरी ग्राउंड में हम लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर रावण दहन का उत्सव मनाया जा रहा था और यहाँ पर पूरा शहर उमड़ा हुआ है और शहर में भी भ्रमण करने से ये पता लग रहा है कि आज बहुत सारे लोग मार्केट में मार्केटिंग कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तमाम तरह के और गरबा उत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास का त्यौहार है। मेरी तरफ से सभी अपने शहर के वासियों को तमाम शुभकामनाएं और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये त्यौहार उनके लिए हम स्पेशल बना पाए। थैंक यू। कल जितनी भी विसर्जन के चल समारोह हैं जो उसके साथ में जो अखाड़े शामिल होते हैं उनके लिए तमाम हम लोगों ने रूट डाइवर्जेंस, मार्ग व्यवस्थाएं और विसर्जन पर घाट की व्यवस्थाएं लगाई हुई है और पूर्व में भी शांतिपूर्वक ही इस तरह के जितने भी प्रोग्राम है वो संपन्न हुए हैं। तो मेरा मानना है कि व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद है और कल का उत्सव भी हम ठीक से उसको समापन करवाएंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, तंबाकू। अहंकार का ये प्रतीक, असत्य और अधर्म का ये प्रतीक, बुराई का ये प्रतीक, रावण धुधु कर जल उठेगा। आप सब धुधु कर जल उठेगा। आप सब धुधु कर जल उठेगा। आप सब हिंदू मान्यताओं के अनुसार दशहरे पर शस्त्र पूजन होता है, वाहन पूजन भी होता है। दमो पुलिस लाइन में आज शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं दमो सांसद राहुल सिंह लोधी के अलावा दमो विधायक जयंत मलैया, हटा विधायक उमा देवी खटीक विशेष रूप से मौजूद रहीं। वहीं दमो कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं दमो पुलिस अधीक्षक सुदकीर्ति सोमवंशी भी यहाँ पर मौजूद रहे। पुरोहित के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कराया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी के साथ जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। सभी ने सुख शांति की कामना की। आज दशहरा है, ऐसे में शस्त्र और शास्त्र दोनों का विशेष पूजन होता है। यहाँ पर शस्त्र पूजन किया गया, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। ये हमारी सनातन परंपरा है, लंबे समय से ये शस्त्र पूजन कार्यक्रम हमारी परंपरा का एक प्रतीक है और ये कुल मिला के शक्ति की आराधना का पर्व है। हम देखते हैं हमारे सारे देवी देवता हैं जो आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक शस्त्र भी रहता है जो ये बताता है कि गलत काम करोगे तो आपको दंडित भी किया जाएगा। तो ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम पर मैं सबको शस्त्र पूजा कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये जो परंपरा है बहुत पहले से चली आ रही है और इस दिन सब लोग अपने घरों में जो शस्त्र रहते हैं उन शस्त्रों को निकाल कर उनका पूजन करते हैं, तो आज ये परंपरा का निर्वहन यहाँ पर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आवश्यकता है और जब हमें शस्त्र की आवश्यकता पड़े तो वो भी तैयार रहना चाहिए। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को साधुवाद देता हूँ कि उनकी नई पहल पर आज जनप्रतिनिधियों को भी शासकीय कर्मचारियों के साथ पुलिस के साथ मिलकर ये शस्त्र पूजन करने का ये पूरा आयोजन बनाया है और निश्चित ही वर्तमान परिवेश को देखते हुए हमको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। शास्त्र से हमको शिक्षा मिलती है और शत्रु पर विजय पाने के लिए हमको शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। तो विजयदशमी के इस पर्व पर मैं सभी को शुभकामना देता हूँ और माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना इस नवरात्र में पूर्ण हो। आज हमारे पुलिस अधीक्षक जी की पहल पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ये इस दृष्टि से बहुत अनूठा रहा है कि आज इसमें सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए और उन्होंने जो है ये पूरा शस्त्र पूजन विधि विधान के साथ आज संपन्न कराया है। इसके बाद हर्ष फायर भी हुआ है यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही अच्छे माहौल में ये पूरी पूजन संपन्न हुआ। और जैसा कि माननीय सांसद जी ने भी कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का बहुत महत्व हमारी संस्कृति में है, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का सही और समुचित उपयोग करने की विवेक और बुद्धि हम सभी को मिले ताकि हम अधिक से अधिक जनता के हित में काम कर सकें। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी को विजयादशमी की और नवरात्रि की ढेर सारी एक बार फिर से बधाई देता हूँ और पुलिस प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित आयोजन शस्त्र पूजन का किया और हम सबको इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला। देखिए, विजयदशमी पर शस्त्र पूजन जो है वो पारंपरिक रूप से मनाया जाता रहा है और पुलिस विभाग में ये एक बहुत पुरानी परंपरा है कि हम विजयदशमी के दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और उनकी देखरेख के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और एक बार पूरे जो हमारी कोतवाली होती है कोत होती है इसकी हम निरीक्षण करते हैं। आज उसी तत्वाधान में हम लोगों ने यहाँ पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया है पुलिस लाइन में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद हमने जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया है और माननीय सांसद जी मंत्री जी जबेरा विधानसभा से, हटा विधानसभा से विधायक मैडम और दमोह विधानसभा से विधायक जी हमारे पास शामिल हुए हैं। उन्होंने पूजा में शामिल होकर हमारे लिए बहुत अच्छा ये कोटिया ये कार्य किया है और वहाँ पर अपनी दृष्टि बनाए रहे पुलिस विभाग पर और उनकी मदद मिलती रहे और साथ में पुलिस विभाग की जो परंपराएं हैं उनको शामिल होते रहे, ये बहुत अच्छा एक प्रश्न शुरू हुआ है और मैं इसी के माध्यम से सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी देता हूँ। इसके साथ ही हर्ष फायर किया गया, दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा हर्ष फायर किया गया, नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा हर्ष फायर किए गए, इसके अलावा अन्य अधिकारियों के द्वारा भी हर्ष फायर किए गए। नो लुकआउट शॉट सर, नॉट लुकआउट शॉट। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत फटाकों का जखीरा पकड़ा गया है। जहां गत दिवस पटेरा में यह जखीरा पकड़ा गया था तो वहीं आज हटा में यह जखीरा पकड़ा गया। बड़ी संख्या में यहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे जिनके द्वारा एक साथ पहुंचकर छापामार कार्रवाई की गई। दमोह पुलिस अधीक्षक सतकीर्ति सोमवंशी की स्पेशल टीम यहाँ पर पहुंची थी जिसके द्वारा हटा पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया और फटाखों को जब्त कराया गया। दो स्थानों पर यह कार्रवाई की गई, दो मामले दर्ज हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में ये मामले दर्ज हुए हैं। बड़ी सफलता मिली है दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा लगातार अवैध रूप से फटाखों का भंडारण करने वालों के विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि कुछ लोगों के पास पुराने लाइसेंस हुआ करते थे जिनके द्वारा माल बुलाया गया था, बाद में इस माल को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, नष्ट नहीं किया गया और लगातार इस माल को बेचा जा रहा। वहीं इस वर्ष भी चोरी छुपे लगातार फटाखों की बिक्री की जा रही है।
जहां विकासखंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ पटेरा में बड़ी मात्रा में फटाखे जब्त किए गए थे, तो वहीं अब हटा में भी छापामार कार्रवाई की गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। शारदीय नवरात्रि चल रही थी, अब विसर्जन का वक्त आ चुका है। विजयादशमी के बाद मां भगवती की विदाई का समय है। तमो शहर में भव्यता के साथ आज विसर्जन चल समारोह चल रहा है। दशहरा चल समारोह चल रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। भक्त झूमते नाचते माँ की विदाई कर रहे हैं। फुटेरा तालाब तक मूर्तियाँ पहुँच रही हैं, जहाँ देवी प्रतिमाओं का विशेष पूजन हो रहा है और उसके बाद विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अखाड़ों का भी प्रदर्शन लगातार जारी है। युवाओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है।
संपूर्ण देश में बुंदेलखंड के दमोह का दशहरा काफी दमदार होता है, जिसके चलते संपूर्ण देश में काफी चर्चाओं में दमोह का दशहरा चल समारोह रहता है। दशहरा चल समारोह की शुरुआत हो चुकी है, प्रतिमाओं का विसर्जन लगातार जारी है, वहीं प्रशासन की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत लगातार चोरियों का सिलसिला जारी था। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें एक मारुति ईको कार नजर आ रही थी। इसी कार के माध्यम से दमोह जिले के पड़ोसी जिले जबलपुर के पाटन के चोर दमोह पहुंचे थे और उनके द्वारा एक के बाद एक ताबड़तोड़ चोरियों को अंजाम दिया गया था। यहां पर काफ़ी बड़ी चोरियां हुई थी, जिसके बाद पुलिस काफ़ी सक्रिय नजर आई और पुलिस के द्वारा ईको जो कार थी उसके माध्यम से चोरों तक पहुंचने का प्रयास किया गया। अंततः चोर पकड़े गए, कार को भी जब्त किया गया, मशरू का भी जब्त हुआ। इस मामले में एसडीओपी पथरिया रघु केशरी के द्वारा संपूर्ण मामले का खुलासा किया गया और मीडिया को जानकारी भी दी गई। थाना बडियागढ़ अंतर्गत आज 27-28 सितंबर की दरमियानी रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोने की दुकान एवं किराने की दुकान का शटर तोड़ के चोरी की गई थी, जिसमें मुश्किल लगभग 2,60,000 रुपये थे। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया था। उनके निर्देशन में टीम ने लगातार काम किया। साइबर सेल और फिंगरप्रिंट की मदद से टीम ने दिनांक 3 अक्टूबर को अनुराग झारिया को गिरफ्तार में लिया था। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया था कि 5 लोग के साथ मिलकर चोरी की। आज दिनांक 12 को सभी को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपना आरोप स्वीकार किया है और सभी से बरामदगी की है 2,40,000 रुपये की, और जो घटना में प्रयुक्त ईको गाड़ी थी वो भी बरामद की गई। सभी को न्यायालय पेश किया गया। सर, पूरा सामान बरामद हो गया सर? लगभग इसमें 2,60,000 का मशरूम का बताया गया था, इसमें 2,40,000 रुपये का बरामदगी हुई है। कुछ कैश था जो इनके द्वारा खर्च करना होता है। और भी आरोपी हैं सर? इसमें कुल 6 आरोपी हैं, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने सर और कहीं भी चोरी की? इस संबंध में सभी थानों से जानकारी साझा की जा रही है, जैसे भी जानकारी प्राप्त होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने सर यहाँ घटना को किस तरह से अंजाम दिया? घटना की जो मॉडस ऑपरेंडी थी, ये लोग इनके बताए अनुसार ये लोग किराए की गाड़ी से बागेश्वर धाम जा रहे थे। रास्ते में इनको क्षेत्र में ये दुकानें नजर आई, तो इन्होंने गाड़ी रोक के शटर तोड़ के और लगभग 2 से 4 मिनट में घटना को अंजाम दिया और यहाँ से निकल गए। सभी आरोपी जबलपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ बटियागढ़ का कोई इसमें शामिल तो नहीं है? अभी जो जानकारी मिली है पूछताछ के हिसाब से बटियागढ़ का कोई शामिल नहीं है, ना ही इनके दोस्त में कोई लिखी थी। इनको जाते वक्त जैसा कि बताया बागेश्वर धाम जा रहे थे और यहाँ पर इनको दुकान दी गई कार्रवाई। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में जय दुर्गा एकता समिति के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां देवी भक्तों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पंडित गोपाल भार्गव मौजूद रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद रहे। माँ जगतजननी के जहां उनके द्वारा दर्शन किए गए, तो वहीं देवी गीतों का आनंद भी लिया गया। देवी गीत सुनकर भक्त भाव विभोर नजर आए। इस अवसर पर
श्रीराम भार्गव एवं अभिषेक दीपू भार्गव भी मौजूद रहे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, अपने स्थानीय नेता का स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। रामबाड में इतना भव्य आयोजन किया गया है भजन संज्ञा का, क्या कहेंगे? जय चतुर्गा उत्सव समिति रामबाड पथरिया रोड के तत्वाधान में बुंदेलखंड के मशहूर कलाकारों के द्वारा आज भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सुश्री कविता शर्मा, खनदेव चौहान और चंद्रनाथ वासुदेव का कार्यक्रम बाड़वासी एवं जनता की बेहद मांग पर यह कार्यक्रम किया गया। हमारी समिति लगातार 26 साल से यह कार्यक्रम देवी जी की स्थापना का करता आ रहा है और बहुत से कार्यक्रम हम लोगों ने हर साल एक से एक बढ़ के थाड़ में किए हैं। समिति का सदस्यों का भरपूर सहयोग रहा एवं हमारे बाड़वासियों का भरपूर सहयोग रहा, इसलिए सफलतम 26 वर्ष हमारे साथ पूरे हुए हैं। गढ़ा कोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के हिंडोरिया में दशहरा चल समारोह को लेकर कुछ विवाद सामने आ रहे थे। यहाँ पर जो देवी प्रतिमाएं स्थापित करने वाली समितियां हैं, दुर्गा उत्सव समितियां हैं, उनको नोटिस तामील कराए गए थे। साथ ही यहाँ पर कुछ विशेष घोषणा पत्र भी जारी किए गए थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में नाराजगी नजर आई थी। हिंदू समाज खासा आक्रोशित था। बाद में दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के प्रयासों से यहाँ पर थाना प्रभारी को बदल दिया गया। आज यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा चल समारोह संपन्न हुआ। बड़ा मलेरा के पूर्व विधायक दमोह के पूर्व मंडी अध्यक्ष प्रथम सिंह यहाँ पर विशेष रूप से मौजूद नजर आए। वहीं अपर कलेक्टर मीना मशराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। खास बात यह रही कि दिन में ही ये दशहरा चल समारोह निकाला गया। तमाम समाजों के द्वारा इसका
जगह जगह स्वागत किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस उत्साह के साथ ये जुलूस निकाला गया। जो है बहुत ऐतिहासिक तरीके से यानी बहुत जल्दी और टाइम से दशहरे का जुलूस यहाँ निकाला गया है और यहाँ के खास करके नगर पालिका अध्यक्ष व हमारे उधम सिंह मुन्ना भैया के प्रयासों से बहुत जल्दी जुलूस को निकाला गया। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार मनाया गया है जिसमें हम मुस्लिम भाइयों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा और ख़ास करके पुलिस प्रशासन की बहुत ही अच्छी भूमिका रही है इस जुलूस के अंदर। इस बार ना तो कोई किसी तरह की कोई घटनाएँ जो पूर्व में हुआ करती थी लेकिन इस वर्ष कोई भी ऐसी दुखद घटना नहीं घटी है और जुलूस बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मस्जिद के सामने से निकाला गया जिसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया और बड़े अमन और शांति से यह त्यौहार सम्पन्न हो गया। हिंडोरिया से रहिस्तान की रिपोर्ट। दमों के पुराना बाजार में ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती का सालाना उर्स पाक मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की उपस्थिति यहां पर देखी जा रही है। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 34वां सालाना उर्स पाक चल रहा है दमों के पुराना बाजार चिश्ती नगर में। दरबार ख्वाजा में दमों के शायरों ने नातिया कलाम पेश किए। इस मौके पर काफी संख्या में अकीदतमंदों की मौजूदगी देखी गई। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दम। तुम ताजगी है दया रे रसूल में हर सिम तुम ताजगी है दया रे रसूल में रहमत बरस रहमत माशाल्लाह भाई दया रे रसूल में दस्ते तलब दरार ये इबादत मेरे हो गया वो गनी जमाने में के हो गया वो गनी जमाने में आपके दर पे जो पधारा है हो गया वो तकबीर सलामी जिंदाबाद हो गया वो गनी जमाने में हो गया वो गनी जमाने में आपके दर पे जो पधारा हो सो ख्वाजा तुम भी आए क्या हसी उर्स का हो सो ख्वाजा को तुम
प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत, हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहां पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना वीडियो इस नंबर पर दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हैं, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की, लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। संतुलित करके नृत्य करना, जोरदार तालियां जरूर बजाइए इस प्रस्तुति के लिए। श्री राम जी सेवा समिति का रावण दहन कार्यक्रम संपन्न। दमोह के शोभा नगर में चले चाकू, युवक और उसके पिता पर हमला, जबलपुर रेफर। दमोह का दमदार दशहरा जल समारोह हुआ प्रारंभ, लकी डीसीएन के माध्यम से होगा लाइव प्रसारण। हटा में अवैध रूप से बिकने वाले पटाखे के भंडारण पर पुलिस का छापा, पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम ने मारा छापा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता देखो। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कम्फर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मी हॉर्स, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।